नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज कारगिल विजय दिवस का रजत जयंती वर्ष है। आज ही के दिन हमने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरते हुए इस महत्वपूर्ण और दुष्कर जंग को जीता था। इस दिन को कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता, क्योंकि भारत माँ के ना जाने कितने सपूतों ने अपनी कुर्बानी देश के लिए दी थी। इस शौर्य और त्याग के दिवस पर सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और होना भी चाहिए, पर इस महत्वपूर्ण दिन के रजत जयंती वर्ष यानी 25 साल बाद जनता की क्या राय है, इस विजय दिवस पर जनता का क्या सोचना है, ये जानने की कोशिश हमारी सहयोगी अनुवंशिका वाजपेयी ने की। देखिए ये रिपोर्ट। आज है कारगिल विजय दिवस। इस युद्ध को हुए पूरे 25 साल हो गए हैं और आज भी देश इस युद्ध को नहीं भुला पाया है। इस युद्ध को भुला ना पाने का एक कारण ये भी है कि इस युद्ध में कई जवानों ने अपना बलिदान दिया है और कई जवान शहीद हुए हैं। आज हम आए हैं हजरतगंज में, जहां हम जानेंगे लोगों से कि क्या अब भी उनके जहन में ये युद्ध बसा हुआ है या वो भूल गए हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ लोगों की राय है। अनमोल जी, तो आज कारगिल विजय दिवस है, आपको पता है या नहीं? पता है। तो इस विजय दिवस के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, लेट अदर बिहारी वाजपेयी जी को, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमने कारगिल भी और जीता था। और जो बलिदान हमारे सैनिकों का रहा, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? उस पर उनको तो वीर शहादत का उनको सम्मान मिला है और हमेशा मनाया जाएगा कारगिल दिवस, बस इतना ही कहना चाहूँगा। इस युद्ध को आपको क्या लगता है, ये युद्ध जो है भारत भूल पाया है या नहीं भूल पाया है, इस जीत को किस तरह से आप देखते हैं? ये युद्ध तो हमेशा याद रहेगा इतिहास में, क्योंकि इसमें हमारी शहादत हमारे सैनिकों की हुई है और इसको हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि जीत के तर्ज पर, क्योंकि पाकिस्तान से जितने भी युद्ध हुए हैं सारे ही हम जीते हैं, पर उनकी किताबों में थोड़ा अलग पढ़ाया जाता है। तो हम लोग सारे युद्ध जीते हैं, उसमें नहीं कहना चाहूँगा, और काफ़ी खुशी है हम लोग युद्ध जीते, पर इसके साथ में श्रद्धांजलि भी व्यक्त करता हूँ अपने सैनिकों के लिए जिन्होंने बलिदान दिया। चलिए आगे और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि कारगिल युद्ध दिवस पर वो अपने क्या विचार रखते हैं। सराफत अली, तो आज कारगिल विजय दिवस है, आपको पता है नहीं? जी। तो कारगिल विजय दिवस पर आज इस अवसर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम लोग यही कहेंगे कि हमारे देश के जवान, उनको अल्लाह सलामत रखे, मुबारक रखे, और हमेशा मतलब जो है वो हिंदुस्तान को एक नई ऊंचाई और नई दिशा और नई दशा पे ले जाए हमेशा। अच्छा, ये कितना दर्दनाक हादसा रहा है आपके लिए? बहुत दर्दनाक है। जैसे हमारी माँ बहन बेटी दूसरे की विधवा होती है, वैसे हम अपनी समझते हैं, समझू, और रह गया हम इस पर दुख जताते हैं। और हमारे देश के जवानों को हमेशा अच्छी ऊंचाई और हमेशा अच्छी जीत मिलते रहे, यही हमारी दुआएं हैं। चलिए, धन्यवाद जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवव्रत सिंह है मैम। तो कारगिल दिवस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर जो ऐसी बातें कही जाए जो पॉजिटिव संदेश परिवारों में जाए, क्योंकि हमारे देश के जो नौजवान हैं वो जब सही बॉर्डर पे जाके सुरक्षा हमारी देश की करते हैं। अच्छा, आपने हमारे देश की, आपने कहा नौजवानों के बारे में, तो क्या आपको लगता है कि आज भी देश इस युद्ध को भुला नहीं पाया है? आप बताइए। भुला भी नहीं पाया, और इस समय जो हालात बन रहे हैं चाइना के साथ, हमारे जो डिस्प्यूट हैं पाकिस्तान बांग्लादेश, मैं तो कह रहा हूँ वर्ल्ड में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो हमारा दुश्मन नहीं है। अच्छा। लेकिन ये सब एक डिप्लोमेसी पॉलिटिकल क्या कहते हैं स्टेप आउट्स होते हैं। अब जब ये भारत पाकिस्तान का कारगिल दिवस हुआ था, तो उसमें जो भी जवान मारे गए थे वो भी दो देशों के बीच में डिस्प्यूट ही था, और आज के दिन भाई देखो देश के लिए इस युद्ध में जो क्या कहते हैं जवान मारे गए थे, उन जवान वो मतलब उनके लिए आप क्या मतलब वो करते हैं, सोचते हैं कि मतलब ये युद्ध कितना दर्दनाक रहा है आपके लिए? ये तो बहुत ही बहादुर जनक बात है, और इसीलिए जो फौज के अंदर बड़े बड़े रेजिमेंट्स बनाए गए हैं, उसमें जो ज़्यादा कैपेबल लोग होते हैं उनको रेजिमेंट्स के अलग रखा जाता है। तो बहुत सारे राजपूत रेजिमेंट और क्या कहते हैं भोग्या रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, तो ये इसमें से जो जवान मारे गए थे वो टुकड़ी के सबसे आगे फाइट कर रहे थे,
और कभी भी बम ग्रेनेड्स और ऐसे जब हमले होते हैं, कोई भी क्या कहते हैं हमारे पास, हम बिना बताए कोई हमला होता है तो कोई रेडी नहीं रहता, और जिन्होंने जान दी है वो एक सचमुच, मतलब आपको नहीं लगता है कि ये जो युद्ध है वो इतने समय तक जो चला था वो पहले ही टल सकता था? बिल्कुल टल सकता था, अगर अच्छी रणनीतिकार, अच्छे हमारे देश के प्रधानमंत्री होते। उस समय तो इंदिरा गांधी जी थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन उससे पहले वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए, और पहले से जो सरकार चल रही थी वो वही थी। आपको नहीं लगता अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहते हैं अपनी वाहवाही लूटने के लिए इस युद्ध को देर तक चलाए रखा? अब देखिए उस समय तो मैं था नहीं, मैं था भी तो बहुत बड़ा छोटा बच्चा था, तो इतनी अच्छा, बड़ी आपके मुताबिक ये युद्ध छोटा हो सकता था या नहीं? बिल्कुल हो सकता है, किसी भी लड़ाई को, मैं भी खुद झगड़ा करता हूँ किसी से, तो एक दिन दो दिन झगड़ा रहता है, लेकिन इस युद्ध के बड़े होने का क्या कारण हो सकता है? कारण बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए देश के अंदर जो जिस तरह की ब्रेन वॉशिंग और क्या कहते हैं मनोपलाइज चीज़ें चल रही हैं, उसके अगर बैकअप में देखा जाए तो भाई अटल जी की सरकार थी तो पक्का संघ के सलाह से चलती थी, और इन लोगों की राइवलरी क्या कहते हैं एनिमीशिप तो है ही, इनके ओपोनेंट दूसरे मज़हब के क्या कहते हैं कंट्रीज से, तो अगर इसको देखा जाए तो ये शॉर्ट टाइम भी हो सकता था, लेकिन इनको शॉर्ट टाइम करना नहीं था। अच्छा। उस समय की भी एक तरह की ये रणनीति, जैसे मोदी जी के चक्कर में बहुत पब्लिक खच्चर खा गई, नोटबंदी ये सब वो सब बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उस समय की भी ये सब राय मिल रही है। लेकिन आपका कहने का मतलब है ये जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अपना मुद्दा चलाने के लिए इसको काफी टाइम तक इस युद्ध को चलाते रहे? 100% इवन कि देश के अंदर भी इस तरह की क्या कहते हैं नरेटिव माइंड सेट करने की कोशिश की गई। आगे हम और लोगों से भी जानेंगे। जी आपका क्या नाम है? लालजीत यादव जी, तो आज कारगिल विजय दिवस है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? कारगिल विजय दिवस है तो केवल एक दिन मनाने से सब कुछ नहीं हो जाता। जो वहाँ जावाज थे जैसे योगेंद्र यादव जी थे, 12-13 गोली लगी उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारे और उसके लड़ते रहे। कैप्टन मनोज पांडे जी शहीद हो गए पहले, तो इन सब जवानों को तो हीरो, अभी कोई हीरो आ जाएगा तो जनता उमड़ लेती है और देखने के लिए लालायित होती है, और सरकार उनकी सुरक्षा घेरा बहुत बड़ा बना देती है। इन जानबाजों के लिए सरकार क्या कर रही है ये बताने का कष्ट करें, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, सरकार का दायित्व तो क्या है? उनको हीरो बनाने की बात नहीं करते, जो पिक्चरों में काम कर रहे हैं उनको ला के राजनीति में ला रहे हैं, बड़ा बड़ा पद दे रहे हैं, तो ये गलत। हमारे देश के जो राजनीतिक जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो लोग गजब का खेल कर रहे हैं कि आप ये बताइए जो देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है, देश के लिए जान दे रहा है, उनकी बातों को, उनके सम्मान को जो है ये लोग जो है अगर ज़्यादा देते तो नौजवान जो है और प्रेरित होकर जो है मिलिट्री में और सेना में जाता और उसका जो है मनोबल बढ़ता, लेकिन कहाँ हो रहा है? आप आज बता रही ना कि आज कारगिल विजय दिवस है, कारगिल विजय दिवस एक दिन मना के और बड़े बड़े जो हमारे यहाँ मूर्तियाँ लगी हैं एक दिन नहवा धोवा के थोड़ा दिखा देती है सरकार। सरकार का दायित्व तो क्या है? जनता के बीच में उनकी ग्राह्यता कितनी बढ़ाना चाहिए, उनका सम्मान कितना बढ़ाना चाहिए, वो तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है ना। तो सरकार अच्छा आपके लिए कितना दर्दनाक रहा है ये? बहुत दर्दनाक रहा। देखिए किसी भी देश के जवान मरते हैं तो उस देश के सारी जनता जो है परेशान होती है, और जिसके घर से वो गए हैं, जिनके जिस माता पिता के बच्चे गए हैं उन्हें तो आज भी जो है चुभ रहा है। लेकिन क्या है, आपको 1 करोड़ रुपया दे देंगे, 1 पेट्रोल टंकी दे देंगे और बता देंगे ये चक्रोट है, चक्रोट पे आपके उनका शहीद के नाम कर दे रहे हैं, ये रास्ता कर दे रहे हैं। यही कर देने से क्या इतिश्री हो जाता है? ऐसा तो नहीं है। आप अगर किसी रणबांकुरे का जो है शहीद हुआ कोई रणबांकुरा, तो उसके लिए जो है आपको हमेशा जो है किताबों में जो है सम्मिलित करना चाहिए। जैसे अभी परमवीर चक्र पाए हैं योगेंद्र यादव जी और जिंदा हैं, तो उनको क्यों नहीं सरकार लाके कभी कदा जो है वो करती है कि ये देखिए ये हौसला बुलंद रखा और जिंदा रहा। कभी कभी मरने वाला जो हताश हो जाता है तो जल्दी मर जाता है, अगर हौसला बुलंद है कि नहीं अभी मैं जिंदा रहूंगा और 2-4 लोगों को मारूंगा, तो उसके हौसले और बुलंद रहते हैं, जिंदा रखने की कोशिश करता है। एक होता है कि अभी हमको नदी में फेंक दीजिए तो हम घबरा के मर जाएंगे, एक होता है कि नहीं तैर के निकलूंगा, पार करूंगा, समुद्र में फेंक दीजिए, वहां से बचने का भी साहस रखते हैं, तो उस तरह का जज्बात पैदा करना चाहिए। तो
योगेंद्र यादव जी अभी भी जिंदा है तो उनको जो है सरकार को घुमाना चाहिए पूरे देश में कि ये देखिए इनके साहस और शौर्य के देखिए कि ये मौत के मुंह से लड़के आए हैं, ये जो है मौत को धक्का दे दिए। तो ये सब चीजें नहीं बताते हैं कि 0.2 से भी ज्यादा जो है पॉइंट था उस समय, जो है आदमी का खून जो है जम जा रहा था उसमें ये लोग लड़ाई लड़े। तो जो चीजें हैं उसको सरकार कहाँ वो करती है, सरकार भी तो ऐसी हो गई है कि सैनिकों को भी जात पात में बांध रही है, ये गलत है ना। अच्छा, आपको लगता है कि अभी भी ये देशवासी इस युद्ध को याद रखते हैं या नहीं, वो याद रखता है या नहीं इस युद्ध? देखिए देशवासी में जो संजीदगी वाले हैं वही याद रखते हैं। यहाँ तो आपको बता दें गरीबी बेबसी लाचारी में लोग परेशान है, किसी तरह जीवन यापन करते हैं। याद रखने वाले जो बहुत ही भावनात्मक लोग हैं वही लोग याद करते हैं, और जिसके समय में वो हुआ जो जैसे जो लोग जानकार थे उनके समय में हुआ, तो वो जैसे अभी आप एक बच्चे से पूछ रही थी, इनको वो कारगिल युद्ध का याद नहीं है। सही बात है, ये बच्चे रहेंगे, हम लोग जो है हमारे पास उस समय बुद्धि आ गई थी, हम जानकार थे तो हमको मालूम है अटल जी की सरकार थी और चरवाहों ने बताया। आप बता दीजिए आपके लोग और आपका सैटेलाइट क्या कर रहा था कि जो है चरवाहा बता रहा है, वो चरवाहे गडेरिया गाय भैंस लेके यादव जो है चरा रहा था वो बताया कि ये पाकिस्तान के जो है सैनिक चढ़ाए हैं, तब जाके ये सरकार जो है जागी। तो आप बताइए आपकी ये लाइव इंटेलिजेंस और क्या कर रही थी? अच्छा, सरकार तो फेल है कहीं कहीं, सरकार को जो है जैसे अभी उदाहरण दे दूंगा तो कहेंगे आप बड़ा हल्का है, जो प्रवचन में 121 लोग अभी जो है शहीद हुए एक तरह से प्रवचन में, और मैं तो उसको कहूंगा कि जैसे नहीं होता है कि अनायास का एक पाखंड पाखंड में इस तरह का काम हो रहा, तो सरकार उस पाखंड को देखती है, तमाम जगह प्रवचन चलते हैं, तब तक न मीडिया बड़ी जाती है न कोई जाता है, लाख दो लाख आदमी की भीड़ इकट्ठा होती है तब तक नहीं जाता है। जब कोई घटना हो जाती है कहते हैं सोने का गेट है और तमाम आश्रम है अरबों की संपत्ति बना लिया है, तो उससे पहले क्यों नहीं सरकार जागती है घटना होने से पहले? आप ये बता दीजिए क्या थाली बजाने से ताली बजाने से बीमारी ठीक होगी, दीपक जलाने से कि सटीक दवा से ठीक होगी? तो ये जो लोग भ्रामक आपको नहीं लगता है कि, अच्छा आपको नहीं लगता है कि ये युद्ध जो है वो कम समय में भी टल सकता था? एकदम, अगर आप जो है दृढ़ संकल्प ले ले तो युद्ध कम समय में भी और हमारे सैनिक भी जो जितने वहाँ शहीद हुए कम होती, लेकिन रणनीति सही नहीं बन पाई। रणनीति सही बनाने के लिए रक्षा मंत्री को, तत्कालिक रक्षा मंत्री जो भी थे उन्हें मौजूद होना चाहिए था, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाना चाहिए था, ये सब होना चाहिए और उनको हौसला देना चाहिए कि घबराइए नहीं, पूरा देश आपके साथ खड़ा। हम तो कहते हैं कि नौजवानों को ले जाते आप, इंटर पास जो 18 साल से ऊपर के थे देश के बॉर्डर पे लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार नौजवानों को तो बेरोजगार बना रही है, उन्हें लाचार बना रही है, उन्हें गुलाम बना रही है, उनके मानसिकता को इतना लाचार बना दिया कि उनके अंदर साहस और जोश मरता जा रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों का हौसला अफजाई करे, उनको उनके हौसले को बुलंद करे, तब ये नौजवान लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन सरकार तो पूंजीपतियों की सरकार बन जाती है। जी चलिए आगे और लोगों से भी बात करेंगे। जी आपका क्या नाम है? निर्मल चौधरी, बताइए। तो आज कारगिल दिवस है तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कारगिल दिवस पे सभी अपने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और जिन्होंने हौसले के साथ लड़ा उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि देश के लिए उन लोगों ने लड़ा। अच्छा, जो देश के सैनिक हैं अक्सर कहा जाता है कि उनकी जो ये सैलरी होती है वो यहाँ पे बड़े बड़े जो नेता बैठे होते हैं ऊपर, जो बिन पढ़े कोई डिग्री लिए बिना आ जाते हैं, उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा होती है और एक सैनिक जो युद्ध कर रहा है बॉर्डर पर खड़े होकर उसकी सैलरी कितनी ही ज़्यादा कम होती है कि वो अपने घर परिवार को चलाने के लिए उसको 100 बार सोचना पड़ता है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए ये तो गंभीर विषय है। हाँ। और इस पे तो देश के लोगों को और सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे सैनिकों के लिए अच्छी हम सैलरी दें, उनको पेंशन दें। और रही बात नेताओं की कि नेताओं को मोटी रकम मिलती है तो उनका एक अलग विषय है, उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना रोल होता है भाई, वो भी मेहनत करके जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो उनको अगर मिलती है वो कुछ समय के लिए होते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि एक
कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन कई हमारे भारत में जो नेता हैं वो बिना पढ़े लिखे कोई डिग्री लिए बिना चले आते हैं, लेकिन एक सेना का युद्ध का जो माहौल जो हम लोग देख रहे हैं इस समय, जो भारतीय सेना है उसमें जो सैनिक जो आते हैं वो कितना कुछ करते हैं देश के लिए, उसके बावजूद उनको कितनी कम सैलरी मिलती है। वो सैनिकों की बात को उनसे जोड़ा ना जाए, हाँ। बेहतर होगा। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, देखिए ये जरूर विषय अच्छा है आपका कि सैनिकों के लिए पेंशन होनी चाहिए, अच्छी पेंशन होनी चाहिए। नेता अगर पेंशन ले रहा है तो सैनिकों के लिए भी पेंशन होनी चाहिए और अच्छी पेंशन उनको दी जाए। लेकिन एक बॉर्डर पे खड़ा हुआ सिपाही जो देश की रक्षा कर रहा है आपके लिए, वो वहाँ पे खड़ा है और आप कह रहे हैं कि इस मुद्दे को हम उससे ना जोड़ें। देखिए जी, आप बताइए, जी बताइए, हम आप एक मिनट, हम आपको उत्तर देते हैं। ये भारत सरकार को एक लोकसभा और राज्यसभा में बिल लाना चाहिए और देश के जवानों के लिए और मिलिट्री विभाग के लिए अलग जो है व्यवस्था करना चाहिए, जो देश के लिए मर रहा हो और हमको बचा रहा हो उसको पूरी सुविधा होना चाहिए। और जो विधायक सांसद की, जो सांसद की तनख्वाह है वो मिलिट्री के जवान की तनख्वाह होना चाहिए, और जो मिलिट्री जो जो सांसद की सुविधा है वो मिलिट्री के जवान की सुविधा होना चाहिए। इस पर कोई नहीं बोलने पर तैयार है। दूसरी बात रह गई है टेपड़ी करना, एक दूसरे पर उंगली उठाना, सब जानते हैं। सीधे सीधे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, सीधे सीधे जो है इसको लोकसभा और राज्यसभा में एक अलग बिल आना चाहिए, और जो जवानों, जो सांसदों, विधायकों को सुविधा है वो जो है देश के जवानों को सुविधा मिलना चाहिए, समझो। और एक सांसद से कम, एक सांसद से ज्यादा जो है मिलिट्री के जवान की तनख्वाह होना चाहिए। ये सत्यता है जो हमको बचा रहा है और देश की रक्षा कर रहा है। आप पूछ लीजिए भाई साहब, ये मुद्दा, जैसे कि पहले हमारे देश में व्यवस्था थी कि रेल का एक अलग बजट पेश होता था, ऐसे रक्षा का एक अलग बजट होना चाहिए, उसके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, और रक्षा से जुड़े जितने लोग हैं, जो भी कर्मचारी हैं उनको विशेष पैकेज दिया जाए, क्योंकि जब सैनिक हमारे देश के लिए लड़ता है, जो देश के लिए लड़ता है उसके लिए अलग व्यवस्था, स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। और क्या कारण है कि अभी भी सेना में जितने भी सैनिक हैं उनको ये सब चीज़ें नहीं मिल पाई हैं, उनकी सैलरी नहीं बढ़ पाई है, क्या कुछ है कहना चाहेंगे? बहुत से मुद्दे हैं। ऐसा है कि जब चुनाव होता है तो हमारी जो जनता है ये असल मुद्दे पे ये भी नहीं बात करती है, ये मुद्दों से ये भी लोग भटकते हैं। नेता का काम है कि वो आपके वोट को लेना, भाई समय आया है तो हमने आपको आपको बरगलाया, आपको जैसे भी किया, आपको प्रोत्साहन दिया, कैसे भी किया, आपका वोट लिया। आपको समझना है कि हमारा वोट ये क्यों जा रहा है, वो कैसे जा रहा है, हमें किन मुद्दों पे वोट देना चाहिए। तो ये जनता नहीं समझ पा रही, इतने साल से वोट दे रही, वो अपनी वोट की कीमत नहीं पहचान पाई। एक गधे को खरीदने दो जाओ तो भी 20-30 हज़ार का मिलता है, लेकिन हमारी जनता जो है 500 रुपये में वोट बेचती है, 200 रुपये में वोट बेचती है, एक साड़ी में वोट बेचती है। अब जब प्रधानी का चुनाव होता है एक क्वार्टर पे वोट बिकता है, तो विधायक चुनाव होता है उसमें भी दारू बटती है। तो ये एक इस देश का दुर्भाग्य है कि ये वोट कितना अनमोल है, और इस अनमोल वोट से हम अपने अपना भाग्य विधाता बनाते हैं, अपने देश का राजा बनाते हैं। और ये चलिए हम और भी लोगों से बात करेंगे। जी जी बोलिए बोलिए भैया। जैसे वोट की बात रही है, क्या भाई साहब ने एक बार ये उदाहरण दिया कि सरकार को शिक्षा फ्री करना चाहिए या प्राइवेट स्कूल सब बंद कर देना चाहिए, या मतलब जो है गरीब के बच्चे जो जिस स्कूल में चपरासी का बच्चा पढ़े उसी स्कूल में राष्ट्रपति का बच्चा पढ़े? बताइए भैया, यहाँ पे आपने मुद्दा कौन सा छेड़ा है? रक्षा से लेकर शहीदों से लेकर आप शिक्षा की बात नहीं की। अगर सामने वाला पक्ष अपना रख रहा है तो भी तो गलत नहीं है। देखिए एजुकेशन निश्चित फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य एकदम फ्री होना चाहिए, तो इस सरकार में बैठे जो आज लोग हैं इनको करना चाहिए, कौन रोके है? ये तो हर व्यक्ति चाहता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। मेरा नाम तो विपेंद्र सुधा वाल्मीकि है जी। तो कारगिल विजय दिवस है आज, आप जानते हैं? नहीं जानते हैं जी, बिल्कुल जी। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये जो युद्ध हुआ था इस पर क्या कहना चाहेंगे कारगिल युद्ध पे? हाँ, कि ये आपके लिए ये जो जवान शहीद हुए थे वो कितना दर्दनाक था? कारगिल जो दिवस है, ये जो जवान हमारे भारत के सैनिक के जवान शहीद हुए थे, ये बहुत बड़ा दर्दनाक था, लेकिन शहीदों के लिए
और भारतवासियों के लिए गर्व का विषय भी है। जिन जवानों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर भारत की रक्षा की है, भारतवासियों की रक्षा की है, हम सब लोग उन्हें सत्सर नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। उनके परिवार वालों को भी हम नमन करना चाहते हैं जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दे करके भारत की रक्षा के लिए समर्पित किया है। तो आज मैं थी यहाँ हजरतगंज में, जहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े और हमने उनसे कारगिल विजय दिवस पर बहुत सारी बातें की, जिन पर कई लोगों ने कहा कि कारगिल विजय दिवस पर कि जितने भी सैनिक हैं उनको बड़े पदों पर भर्ती देनी चाहिए और जो भी सैनिक घायल होकर आते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करनी चाहिए। तो आप मेरे साथ देख रहे थे कैमरामैन दीपक के साथ, मैं अनवांशिका वाजपेयी, सी न्यूज़। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।